अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कमाल अहमद मुखातिब हूँ आपसे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वीवर्स। आज के ब्रांड न्यू ब्लॉग में मेरे पास है जी होंडा स्विक VTI ओरियल प्रॉस्मेटिक फैब्रिक पैकेज है। ये 2017 मॉडल है और लाख किलोमीटर चली हुई है। गाड़ी की कंडीशन बहुत अच्छी है, होंडा मेंटेन है। तो कम्प्लीट इसके रिव्यू की तरफ चलते हैं, उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, वीडियो को अंत तक देखना मत भूलिएगा और बेल आइकन प्रेस लाजमी कीजिए। तो चलते हैं गाड़ी के रिव्यू की तरफ। ईवर्स होंडा सिविक VTI ओरियल प्रॉस्मेटिक 1.8 सीसी और एक्स जनरेशन 2017 मॉडल लाहौर रजिस्टर्ड 1.8 सीसी बहुत ही ज़बरदस्त और हॉट फेवरेट सेडान मेरे सामने। आप देख रहे हैं इसका फ्रंट शो, खूबसूरत और वेरी अट्रैक्टिव ये कार है, जिसमें आपको फ्रंट शो ग्रिल होंडा मोनो के साथ क्रोम में मिलती है। नीचे आप देखें तो आपको यहाँ पर वीडियो कैमरा मिल जाता है, आपको इसमें DRL लाइट्स मिलती हैं, हेलोजन लाइट मिलती है, नीचे आपको फोग लैंप और उसके सराउंडिंग में भी आपको स्पोर्ट्स ग्रिल मिलती है। वीवर्स सन रूफ इसमें आता है और आपको पता है पाकिस्तान में होंडा ने स्टार्ट से ही पहले दिन से ही अपनी जगह बनाकर रखी हुई है। हर आने वाला मॉडल पाकिस्तान में टॉप पर जाता है और ये भी आपके सामने है जिसको लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। इसके फेंडर के अंदर लाइट आपको मिल जाती है और आप इसकी राइट साइड देखें तो टोटल ओरिजिनल है। आपको इसमें होंडा के ओरिजिनल अलॉय व्हील्स मिलते हैं, जिसमें आपको टायर साइज जो है वो 16 का मिलता है। और उसके बाद अगर आप इस साइड पे आ जाते हैं तो आपको साइड व्यू मिरर का अब कवर जो है ऊपर वाला कवर आपको बॉडी कलर के साथ मैच मिलता है, नीचे वाला आपको ब्लैक में मिलता है। आपको साइड व्यू मिरर रिट्रैक्टेबल एडजस्टेबल और आपको इसके अंदर इंडिकेटर्स भी मिलते हैं। वीवर्स आपको डोर लैचेस भी बॉडी कलर के साथ मैच मिलते हैं। ये आपका सेंसर आ जाता है, कीलेस एंट्री, पुश बटन स्टार्ट, डोर वाइज़र आफ्टर मार्केट लगे हुए, सनरूफ है और इस डोर वाइज़रों के नीचे आप ये देख सकते हैं तो ये वेदर स्ट्रिप कंटिन्यू करती है। इसके बिल्कुल ग्लासों के नीचे आपको बैक पर यहाँ पर स्मार्ट सा क्वार्टर ग्लास मिलता है। वीवर्स इसकी शेप बहुत खूबसूरत और बड़ी ज़बरदस्त है। टेल लाइटें भी वीवर्स इसकी बहुत आला हैं। आप देखें इसमें आपको हाफ इसकी टेल लाइट जो है वो डिगी के अंदर मिलती है और बाकी नीचे बम्पर के ऊपर और फेंडर के अंदर मिलती है। आफ्टर मार्केट इसमें बहुत से फेसलिफ्ट आए हैं। फ्रंट जितना खूबसूरत है उतनी ही बैक से भी खूबसूरत और अट्रैक्टिव है। आपको यहाँ पे सेंटर में होंडा की बैजिंग मिल जाती है, 1.8 आईवेटेक ओरियल की बैजिंग इस साइड पर, सिविक की बैजिंग इस साइड पर मिलती है। स्क्रीन में आपको लाइट मिल जाती है, ABS व्हीकल स्टेबिलिटी असिस्ट आपको मिलता है, बैक व्यू कैमरा इसमें ओरिजिनल आता है। नीचे बम्पर में आप देखें तो बम्पर में आपको वीवर्स रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं, नीचे वाला पीस भी आपको स्पोर्टी ग्रिल में मिलता है। और लेफ्ट की भी आपको मैं प्रोफाइल दिखाऊं तो वीवर्स लेफ्ट से भी कार बहुत अच्छी साफ सुथरी है, माइनर से इसमें स्क्रैचेस है जिन पे कलमें लगी हुई हैं लाइक दिस, ये आप देख सकते हैं। क्योंकि मेरा आपको पता है कि फ़र्ज़ है, मैं कुछ आपसे ना छुपा सकता हूँ ना छुपाऊँगा, तो हर चीज़ आपको बताना मेरा फ़र्ज़ है। इस पूरी कार के अंदर वीवर्स आपको कुछ एक दो पार्ट जो है वो रीपेंट मिलेंगे, एक्सीडेंटल नहीं है ये गाड़ी और बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कंडीशन में है। मैं गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ, हम इसकी लाइटें देखते हैं कि इसमें आपको लाइटें हैलोजिन मिलती हैं या LED मिलती हैं, क्योंकि कई गाड़ियों में आफ्टर मार्केट LED भी आती है तो सोचा इसको भी देख लेते हैं। वीवर्स इसमें हैलोजिन फोग लैम्प और आपकी LED लाइट, इसके खूबसूरत आपको DRL मिलते हैं और टेल लाइट भी आपको मैं दिखाऊं। फ्रंट बैग इसकी लाइटें, लोगों ने बहुत से फेसलिफ्ट आ गए मार्केट में जो करवाए हुए होते हैं, तो ये मेरे सामने एक 17 मॉडल में ओरिजिनल कंडीशन की है और वाइट मीटर है, क्योंकि रेड मीटर इसमें 18 मॉडल में आ गया था। तो हम चलते हैं इंटीरियर की तरफ और आपको मैं इंटीरियर दिखाता हूँ। तो बेज विद ब्लैक के साथ इसका टू टोन इंटीरियर है, जिसमें आपको ये पोर्शन फैब्रिक का मिलता है और बाकी हार्ड प्लास्टिक में मिलता है। क्रोम की यहाँ पर भी आपको बैजिंग मिलती है और इनर हैंडल भी आपको क्रोम में मिलता है। डोर ग्लास आपके ऑटो, सेंटर लॉकिंग, रिट्रैक्ट की सेटिंग, यहाँ से आप ट्रंक ओपन कर सकते हैं और आपको यहाँ पे डोर पोस्टेज के अंदर कप होल्डर और कंपार्टमेंट मिलता है जिसमें आप सामान रख सकते हैं। स्पीकर डोर के अंदर चार आते हैं और आपको मैं इस साइड पे दिखाऊं तो फैब्रिक सीट आप ये देख सकते हैं, इसकी ओरिजिनल सीट है, इस पर कोई आफ्टर मार्केट कवर या कुछ भी नहीं लगा हुआ, सीटों की कंडीशन अच्छी है 17 मॉडल के हिसाब से।
गाड़ी बहुत साफ सुथरी और नीट एंड क्लीन है। तो मैं आपको इसका स्टेयरिंग व्हील पहले दिखाऊँ, तो लेदर स्टेयरिंग व्हील है, दोनों साइडों पे आपको मल्टीमीडिया स्टेयरिंग मिल जाता है, यहाँ पे आपको क्रूज की ऑप्शन मिलती है, सेंटर में आपको होंडा की बैजिंग और फ्रंट पे दो आपको एयरबैग मिलते हैं जो एक स्टेयरिंग में और एक पैसेंजर साइड पे आता है। उसके बाद व्यूअर्स आपको मैं अगर क्लस्टर दिखाऊँ तो ये इसका क्लस्टर है वाइट में, रेड मीटर आपको पता है कि रेड मीटर आपको 2018 में मिला था। उसके बाद आपको मैं दिखाऊँ तो एसी वेंट फ्रंट पे आपको चार मिलते हैं और आपको दो जो है वो बैक पैसेंजर पे मिलते हैं, और यहाँ पे इसका खूबसूरत सा इन्होंने यहाँ पे भी क्रोम दिया हुआ है, एसी वेंट के ऊपर भी आपको क्रोम मिलता है और बड़ा ही खूबसूरत इन्होंने आपको इसमें इंटीरियर मिलता है। आप पोस्ट्रीज की बड़ी ही फाइन क्वालिटी में बहुत अच्छी कंडीशन के अंदर है। पैनल पे आ जाए तो व्यूअर्स ओरिजिनल नेविगेशन जो होंडा कंपनी फिटेड आता है वो आपको मिल जाता है, आपको रूम के भी अंदर कैमरा मिलता है और इसका फ्रंट कैम भी है और व्यूअर्स इसमें आपको ओरिजिनल बैक व्यू कैमरा भी मिल जाता है। क्लाइमेट कंट्रोल आपका एसी है, यहाँ पे भी आपको कंपार्टमेंट मिलता है सामान रखने के लिए, और ये आपकी ऑप्शन आ जाती है इको की, आपकी ऑटो हैंडब्रेक और ये आपकी होल्ड ब्रेक आ जाती है। और इसके बाद आपको यहाँ नीचे भी कंपार्टमेंट मिलता है जिसमें आप सामान इजीली रख सकते हैं। बैक पे आ जाए इस पैनल के तो ये कप होल्डर मिलता है, आर्मरेस्ट आपको भी फैब्रिक का मिलता है, इसको आप ओपन करें तो अच्छा खासा आपके पास ये भी कंपार्टमेंट है जिसमें आप अपना सामान रख सकते हैं। ग्लव बॉक्स आपको दिखाऊँ तो ग्लव बॉक्स में भी स्पेस आपके पास अच्छी खासी है। उसके बाद व्यूअर्स आपको केबल लाइट जो है वो हैलोजीन मिलती हैं दोनों साइडों पे, और आपको वनटे मिरर मिलते हैं सनशेड में विदाउट लाइट। उसके बाद जो होंडा की सबसे ग्रेसफुल चीज़ है वो है इसका सनरूफ, जिसकी वजह से इस कार की शान में और ज़्यादा इजाफा हो जाता है। तो गाड़ी बहुत अच्छी कंडीशन में, बहुत साफ़ सुथरी, वेल मेंटेन मेरे शोरूम पे मेरे पास अवेलेबल है। आपको बैक से भी दिखाऊँ तो इसकी बैक भी बड़ी खूबसूरत है, आप देख सकते हैं व्यूअर्स कि ये लाख चलने के बावजूद भी गाड़ी की कंडीशन आप देखें, आपको ये बिल्कुल भी कहीं से रफ लुक नहीं देगी, बहुत अच्छी और बहुत ज़बरदस्त ये कार अवेलेबल है। आपको सेंटर आर्मरेस्ट बैक पे मिलता है, कप होल्डर मिल जाते हैं, एसी वेंट आपको दिखाऊं तो बैक पे भी आपको दो एसी वेंट मिलता है, सॉफ्ट पॉकेट आपको दोनों सीटों की बैक पे मिलती है, और केबल आप यहां से देख सकते हैं व्यूअर्स। गाड़ियां बहुत सी आती हैं और बहुत सी गाड़ियां ऐसी भी होती हैं जो संभली भी नहीं होती, जिनकी कंडीशन बड़ी हल्की होती है, और ये एक वो कार है जिसकी कंडीशन 17 मॉडल के हिसाब से बहुत अच्छी है। ट्रंक की स्पेस स्पेशियस है, होंडा में जितनी भी गाड़ियां आई हैं सवे किया सिटी ट्रंक की स्पेस उनकी बहुत आला होती है, नीचे आपको टोल किट और स्पेयर व्हील मिल जाता है, और ट्रंक की स्पेस जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि आप इसके अंदर आराम से एक दो बंदे फेंके तो फिर भी आपका ट्रंक के अंदर स्पेस बाकी रह जाएगी। सस्पेंशन, इंजन, बॉडी, हर लिहाज से ये कार परफेक्ट है, और आपको पैसेंजर साइड पे भी लॉक अनलॉक की ऑप्शन मिल जाती है। स्पीकर्स मैंने आपको जैसा कि बताया चार आते हैं। गाड़ी का रूम बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंडीशन में है व्यूअर्स, फैब्रिक है, आप जिस तरह का मर्जी इसमें आफ्टर मार्केट जो मर्जी फेसलिफ्ट करवाएं। तो फिलहाल ये कार मेरे शोरूम पे हाजिर है। तो जनाब 2000 होंडा सिविक पीटी ओरियल क्रॉसमेटिक 2017 मॉडल हॉर रजिस्टर्ड लाख किलोमीटर चली हुई, फैब्रिक पैकेज में मेरे पास अवेलेबल है 49 लाख रुपीज़ इसकी डिमांड है। अगर आप इस गाड़ी में इंटरेस्टेड हैं तो जल्दी विजिट करें स्मार्ट कार 51 जेल रोड लाहौर, और अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा, वीडियो को शेयर करना और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।